हाई एवरी वन, दिस इज़ सावेरी. वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. होप यू गाइज डूइंग वेल. सो आई नो गाइज, आप सभी को थंबनेल से और टाइटल से पता चल चुका है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि येस, फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2x स्पाइसी नूडल्स चैलेंज. येस गाइज, तो ये जो चैलेंज है ये लाइक बहुत सालों से, लाइक 1 to 2 years पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था. लाइक अभी तक भी ये ट्रेंड में है दिस चैलेंज एंड ऑल्सो दैट जोलो चिप चैलेंज. पर मैंने जब वीडियोस देखा तो ये जो 2x और 3x स्पाइसी नूडल्स है वो थोड़ा सा कम तीखा है जोलो चिप से, क्योंकि जोलो चिप बहुत ही तीखा है. मैंने जितना भी वीडियोस देखा हुआ है उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ. तो इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना पहले नूडल्स ट्राई किया जाए, फिर हम चिप्स तक जाएंगे. तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आई लव स्पाइसी फूड और मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत ही पसंद है. मेरे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स लोग सब लोग जानते हैं कि मैं कितना तीखा खाती हूँ. पर फिर भी गाइज मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी वीडियोस देखा हुआ है ना, उनमें से बहुत सारे लोग स्पाइसी खाना पसंद करते, पर फिर भी उन लोगों का बहुत मतलब सॉलिड बैंड बच गया है. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ, पर फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पर उससे पहले मैं चैलेंज कैसा होगा मैं बता देती हूँ. लाइक जैसे मैं नूडल्स ख़त्म करूँगी, उसके बाद 5 मिनट तक मुझे कुछ भी नहीं खाना है या फिर कुछ भी पीना है. तो चैलेंज ये होने वाला है. तो देखते हैं मैं कितनी देर तक इस स्पाइस को झेल सकती हूँ मैं. तो या गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो या गाइस, पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, ये है नूडल्स का पैकेट. गाइस, इसमें लिखा है बुलदाक, सम कोरियन में लिखा हुआ है, फिर हॉट चिकन फ्लेवर रैमन नूडल्स, और ये है 2x स्पाइसी. 2x स्पाइसी है ये, और या मेड इन कोरिया. और क्या, मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस, कितना स्पाइसी होगा. ओके ओके ओके, देखते हैं. तो ये टोटली रेड पैकेट में आता है, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा फील लाने के लिए ये रेड टॉप पहना हुआ है. तो या गाइस, चलिए इसमें नूडल्स है और फिर इसमें एक सॉस दिया हुआ है और एक स्प्रिंकलर समथिंग कुछ दिया हुआ है छोटा छोटा पैकेट में, तो उसको मिला के खाना होता है. तो चलिए बनाते हैं, मैं आप लोगों के सामने बनाऊँगी. सी, मैंने यहाँ पे ऐसे नूडल्स को बॉईल कर लिया है. उसका बेसिक तरीका है, आपको ऐसे नूडल्स बॉईल करनी है, फिर उसमें आपको मिलानी है वो जो सॉस और स्प्रिंकलर मिला के खानी है. ओके, तो चलिए मिलाते हैं. इसमें ये रही पैकेट के अंदर, ये एक सॉस का पैकेट है और ये स्प्रिंकलर है. देखते हैं. ओह माय गॉड, भाई साहब कैसे करूंगी. ओके ओके ओके, ये तो अभी स्प्रिंकलर मिलाते हैं. पता नहीं, आई थिंक इसमें सेसमी सीड या फिर सीवीड है, लाइक पता नहीं, इसको मिला लेते हैं. पहले मिक्स कर लेती हूँ. मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो. तो या देर ना करते हुए फटाफट हम खाते हैं. तो के लेट्स स्टार्ट. तो मैंने एक स्मॉल बाइट लूँगी. ओके ओके, भाई साहब ओके खा पाऊंगी कि नहीं. ओके बट गाइस, बहुत ही टेस्टी है. हमारा जो नॉर्मल
मैगी होता है ना उससे बहुत टेस्टी है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं जब से लिख करी ना बस मैं जो लिख से वो बंद करे जल जाए, बट क्या अंदर से एक्चुअली अभी तक मैंने तो दो तीन बाइट खाया हुआ है, तो उसके वजह से मैं बोलूँ तो मुंह जल जो क्या बोलूँ मैं, तीखा है अभी बस आ रहा है, बहुत जोर से जल रहे हैं इसीलिए पानी आ रहा है हाथ में, मतलब बहुत जोर जल रहा है, बट सच में अंदर से इतना ज़्यादा तीखा नहीं लग रहा है बट बहुत जल है। लाइक मैं ना ज़्यादा मैगी नहीं खाती और ज़्यादा खा भी नहीं पाती, ये बहुत ही बड़ा साइज़ है और इतना कब मैं थोड़ा सा वॉमिट जैसा फील हो रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा मैगी नहीं खाती किसी भी, जो इतना सा बचा है खा लूँगी मैं। फिनिश मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, उल्टा दिख रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ। लाइक आप जब खाते हो ना तब आपको इतना फील नहीं होता, जब आप फिनिश करते हो तो तब लगता है। फिर भी जो तीखा है ना मैनेजेबल है, इतना भी ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत तीखा खाती हूँ, इसलिए मैं बार बार इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप टोटली तीखा नहीं खाते तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई दीज नूडल्स, 3x 2x स्पाइसी नूडल्स प्लीज़। मैं इतना तीखा खाती हूँ फिर भी देखिए नाक बह रही है, स्टार्ट हो गया है, आँखें भी पानी पानी हो रही है। ओके बहुत पसीना आ रहा है। ओके और 3 मिनट 15 सेकंड 13 सेकंड बाकी है। टू मिनट 38 सेकंड्स बाकी है। मेरे लिए तो ओके है, और ये जो मेरे लिप्स भी जल रहे थे वो भी थोड़ा सा कम हो चुके हैं। या 1 मिनट 24 सेकंड्स मुझे अभी नॉर्मली लग रहा है, लाइक ऐसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, लाइक थोड़ा सा इधर से जल रहा है, दैट्स इट। तो अभी बचे हुए 19 सेकंड्स, 16, 15, 5, 4, 3, 2, 1, I'm done। मैंने ये पी लिया है पर फिर भी मुझे इसका कोई ज़रूरी ज़रूरत तो नहीं था, पर फिर भी मैंने मौके में थोड़ा सा चौका मार लिया। कभी मतलब बहुत दिनों से हमने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिया हुआ आया था। या गाइस बहुत ही
टेस्टी सा नूडल्स था, क्योंकि मुझे तो बहुत टेस्टी लगा सच में। आप लोग सोच रहे होंगे क्या इतने सारे लोगों को ये इतना स्पाइसी लगा और ये बोल रही है कि इसको स्पाइसी नहीं लगा। स्पाइसी लगा जब आप खाते हो तो तभी लाइक ऐसे झट से किक मिलता है, लाइक स्पाइस जो स्पाइसी होता है ना वो झट से लगता है। फिर अगर आपको हैबिट है खाने का, लाइक आप अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हो, लाइक स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो, तो आपको इसे लिप्स पे थोड़ा सा नहीं बहुत ही जलन होगा, पर अंदर से कुछ फील नहीं होगा, लाइक इतना भी तीखा नहीं है। ये पर्सनली मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, पर्सनली मेरे लिए ये इतना भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। फिर भी गाइज, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हो, टोटली नहीं खाते हो, तो प्लीज़ गाइज मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप ये नूडल्स प्लीज़ मत ट्राई करो। अगर आप फिर भी चाहते हो कि ट्राई करना तो एज अ विश, पर अगर आप स्पाइसी खाते हो, टॉलरेट कर सकते हो, तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी, आप मंगा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस द फर्दर नोटिफिकेशंस अबाउट माई वीडियोज। एंड गाइज डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम सावेरी चोटराय में। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप लोगों के लाइक्स और कमेंट से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, तो इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो या सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर गाइज, बाय, लव यू, बाय।